अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आज आपके साथ डेली करंट अफेयर्स की इस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 13th मार्च 2020। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर वन। बोथ तुर्की एंड रशिया एग्रीड फॉर सीज फायर इन विच कंट्री? तो हाल ही में तुर्की और रशिया ने एग्रीमेंट किया है जंगबंदी के लिए, किस मुल्क में किया है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, बी सीरिया, सी यमन, डी नन ऑफ दीस। तो इसका सही जवाब होगा बी, जो सीरिया में अभी खाना जंगी चल रही है और वहाँ पे रशिया की फोर्सेस भी बरसर पेकार हैं, दूसरे मुल्कों के भी हैं। तो सीरिया और रशिया ने अभी ये मतलब दोनों ने इत्तफाक किया है कि जंगबंदी होनी चाहिए। लास्ट वीक बोथ तुर्की एंड रशिया एग्रीड टू मेक सीज फायर इन इदलिब सीरिया। तो ये सीरिया का जो सिटी है जहाँ पे काफ़ी हालात कशीदा हैं, खाना जंगी चल रही है, तो ये वहाँ पे इन्होंने सीज फायर पे इत्तफाक कर लिया है। क्वेश्चन नंबर टू, हु इज़ करंट चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन? ऑप्शन ए मोहम्मद नईम, बी आसिम बाजवा, सी मुमताज शाह, डी नन ऑफ दीस। तो इसका सही जवाब होगा ए मोहम्मद नईम। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज फॉर्म्ड इन 1956। 1956 में इसका कयाम हुआ। हेडक्वार्टर्स ऑफ PAEC इन इस्लामाबाद। तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का जो हेडक्वार्टर है वो इस्लामाबाद में है। Who is the current and sixth Director General of International Atomic Energy Agency? तो जो International Atomic Energy Agency है IAEA, उसके Director General कौन हैं? Option A युकिया अमानो, B रफाइल ग्रोसी, C मोहम्मद अलबरादई, D नन ऑफ दीस। तो इसका सही जवाब होगा बी रफाइल ग्रोसी। ही इज एन अर्जेंटाइन डिप्लोमेट हु अज्यूम्ड चार्ज एज DGIAEA ऑन 3rd December 2019। तो इसने 3 दिसंबर 2019 को चार्ज संभाला है एज अ डायरेक्टर जनरल। Where is headquarters of International Atomic Energy Agency? Option A Vienna, B Paris, C London, D none of these। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है A Vienna। International Atomic Energy Agency was founded on 29th July 1957। 29 जुलाई 1957 को इसका कयाम हुआ। देयर आर 171 मेंबर स्टेट्स ऑफ IAEA। तो 171 जो है इसके मेंबर स्टेट्स हैं। ये इंतहा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी इंतहा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप इन चीज़ों को याद कर लें। क्वेश्चन नंबर फाइव, एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री ईयर 2019-2020 वाज रिलीज्ड बाय हुम ऑन 12th मार्च 2020। तो एक एनुअल रिपोर्ट जो पार्लियामेंट्री ईयर होता है 2019 और 2020 की रिपोर्ट रिलीज हुई है वो किसने की है? ऑप्शन ए चेयरमैन सेनेट, बी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सी स्पीकर नेशनल असेंबली, डी नन ऑफ दीस। तो इसका
सही जवाब होगा ए, चेयरमैन सेनेट। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी ऑन द कंप्लीशन ऑफ पार्लियामेंट्री ईयर 2019-2020 रिलीज्ड एनुअल रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस अक्रॉस ऑल एरियाज ऑफ रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेशन एंड ओवरसाइट। क्वेश्चन नंबर 6, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अनाउंस्ड टू इंट्रोड्यूस द फर्स्ट एवर नेशनल तंबाकू कंट्रोल पॉलिसी विद इन व्हिच टाइम पीरियड। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि वो तंबाकू नोशी पे एक नेशनल पॉलिसी बनाई जाएगी, तो वो कितने अरसे में मतलब वो पॉलिसी बन जाएगी। ऑप्शन ए 1 मंथ, बी 2 मंथ, सी 3 मंथ्स, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए 1 मंथ। द अनाउंसमेंट वॉज मेड बाय डॉक्टर नौशीन हामिद, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये उसकी तरफ से अनाउंसमेंट हुई है कि एक महीने के अंदर पाकिस्तान अपनी जो है नेशनल तंबाकू कंट्रोल पॉलिसी अनाउंस करेगा। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड किडनी डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डे ग्लोबली। तो कब जो है ग्लोबली जो है वर्ल्ड किडनी डे ऑब्जर्व किया गया, मनाया गया। ऑप्शन ए 1st Thursday of March, बी 2nd Thursday of March, सी 2nd Friday of March, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी 2nd Thursday of March। तो ये हर साल ये कुछ डेज ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक डेट पे मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो जिस तरह अभी ये है कि 2nd Thursday of March, तो ये हर साल जो 2nd Thursday आएगा उस पर मनाया जाता है, फिर वो डेट कोई भी हो लेकिन दिन जो होगा वो 2nd Thursday होगा। वर्ल्ड किडनी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन थर्सडे 12th March 2020 अक्रॉस द ग्लोब। तो इस साल जो है जो थर्सडे का दिन वो 12th March को हुआ। To focus on the importance of the kidneys and reduce the frequency and impact of kidney disease and its associated health problems. तो किडनी की अहमियत और उससे रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उसको हाईलाइट किया गया और उससे कैसे बचा जाए इस पर रोशनी डाली गई इस जो इवेंट पे, इस दिन पे। क्वेश्चन नंबर 8, वाइफ ऑफ विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर इज अफेक्टेड विथ COVID-19 डिजीज। किस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की वाइफ जो है अनफॉर्चुनेटली करोना वायरस से मुतासर हुई है। ऑप्शन ए ईरान, बी साउथ कोरिया, सी कैनेडा, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है सी कैनेडा। सोफी ग्रेगोरी इज द वाइफ ऑफ द 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा जस्टिन ट्रूडो। तो ये जस्टिस ट्रूडो की वाइफ हैं जो कि कैनेडा के मौजूदा और 23rd प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये उनकी वाइफ हैं, ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो इसको जो है अभी करोना वायरस की जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गई है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर ये आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि हमारी जो कोशिश है, जो हमारी मेहनत है और जो हम नॉलेज इकट्ठा करते हैं तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे दोस्त हैं वो मुस्तफ़ीद हों। सो
थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इंशाल्लाह मिलेंगे कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।